बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ 9th क्लास। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे यूज ऑफ हेड, पेज नंबर 73 है कंपोजिशन की बुक से, ग्रामर से। यूज ऑफ हेड पढ़ेंगे और कंपोजिशन क्वेश्चन नंबर 8 डिस्कस करेंगे सॉल्व। क्लास 9th जी, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं यूज ऑफ हेड को। यूज ऑफ हेड का इस्तेमाल दरअसल यू है कि कोई भी चीज, अगर कोई शख्स जो है माजी में किसी भी चीज की मलकियत रखता था, उसके लिए यूज ऑफ हेड का इस्तेमाल करता। जैसे कि अगर मेरे पास मौजूदा जमाने में कोई चीज मौजूद है तो मैं उसके लिए हैज यूज करूंगा मलकियत जाहिर करने के लिए। अगर मेरे पास कोई चीज मेरी पोजेशन में थी माजी में तो उसके लिए हेड का इस्तेमाल नहीं करता। जैसे मेरे पास एक कार थी या मैं एक कार रखता था, I had a car। अली के पास एक कार थी, अली हैड अ कार। ठीक है, इस तरह से होगा इसका इस्तेमाल। हम इसकी पहचान देखते हैं। किसी भी चीज की मलकियत का होना, जैसे मिसाल है अली के पास मोटरसाइकिल थी, हमारे पास एक घर था, इस तरह से कुछ मिसालें बनती हैं। इसका मतलब जो स्ट्रक्चर है वो क्यों होगा, सब्जेक्ट है प्लस ऑब्जेक्ट, इसे हम कहते हैं कोई नाउन। ठीक है, इसका नेगेटिव क्या होगा, यहाँ पे हम क्या करेंगे, नॉन। ठीक है, तो ये कुछ सी एग्जांपल बन जाती है। अब देखते हैं हमारे पास एग्जांपल क्या है। सलमान के पास दो घर थे, इस तरह से अहमद के पास एक चाकू था, हमजा के पास एक गाड़ी ना थी। अब ये कुछ चीज याद रखती है। अब हम कहते हैं सलमा है दो घर की जायदाद थी, जायदाद थी, सलमा हैड प्रॉपर्टी। ठीक है, अहमद के पास एक चाकू था, अहमद हैड आ नाइफ, हमसे के पास एक गाड़ी ना थी, हमजा हैड नो कार। ये ऐसी कुछ मिसालें बनती हैं। आप लोगों ने घर से पेज नंबर 73 करना है, इसमें हम ये डिस्कस करेंगे। नौकर के पास 10 रुपए थे, द सर्वेंट हैड 10 रुपीज। इस तरह से फकीर के पास एक प्याला था, द बेगर हैड अ बॉल। इस तरह से तुम घर में कुत्ता नहीं रखते थे, इसकी एक बात ध्यान में रखिएगा, रखना रखता था, रखती थी, रखते थे भी होता है हमारे पास। ये भी इसकी मिसालें बन जाती हैं। ठीक है, तो ये है। अब हम डिस्कस करते हैं इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव हमारे पास क्या होता है, सेंटेंस के शुरू में सब्जेक्ट, फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन जी। तो अब हमारे पास एक सेंटेंस है, क्या उनके पास शहद था, हैड दे एनी हनी। एनी और सम का इस्तेमाल इस तरह होता है, एनी का इस्तेमाल करते हैं सेंटेंस जो हमारे पास नेगेटिव हो या इंटरोगेटिव हो, और सम का इस्तेमाल करते हैं जो सेंटेंस हमारा सिंपल में होता है। तुम्हारे पास कुछ दूध था, यू हैड सम मिल्क।
तुम्हारे पास दूध ना था, यू हैड नो एनी मिल्क, ठीक है, क्या तुम्हारे पास दूध था, हैड यू एनी मिल्क, इस तरह से ये सारे बन जाती है। अब हम डिस्कस करते हैं कंप्रिहेंशन पैसेज को। द एज ऑफ स्टीम हैज जेंडर प्लेस टू द एज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब वो जो जमाना जिसमें हम भाप का इस्तेमाल करते हैं उसको, अब वो जमाना बदल चुका है, आपको बन चुका है बिजली का जमाना, बर्फ का जमाना। वी हैव हार्नेस्ड एंड इंट्रोड्यूस्ड इट इनटू सर्विसेज में। अब हमने इसको कंट्रोल कर लिया है और हमने इसको मुतारफ करवाया है जिसमें इंसान की खिदमत भी ली गई है। द इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ बियर्स आवर मैसेजेस एंड ब्रिंग्स अस न्यूज फ्रॉम ऑल क्वार्टर ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया की तमाम खबरें अब हमें मिलती हैं इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ के जरिए और हम अपने मैसेज भी, पैगाम भी भिजवाते हैं। हु इज नॉट फेमिलियर विद द इलेक्ट्रिक बेल। कौन जो है अब आजकल बरकी घंटी से वाकिफ नहीं है। हु हैज नॉट यूज टेलीफोन। किसने आज इस्तेमाल नहीं किया टेलीफोन का। हु इज नॉट इंजॉइंग इलेक्ट्रिक लाइट। कौन जो है बिजली का इस्तेमाल नहीं कर रहा। इलेक्ट्रिक मोटर्स, वायरलेस टेलीग्राफी, इलेक्ट्रिक रेलवेज, इलेक्ट्रिक मोड्स ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड डिस्ट्रक्शन। इलेक्ट्रिक मोड्स का इस्तेमाल भी हो रहा है तमीरात के लिए और किसी को गिराने के लिए। ऑल अटैच टू द ग्रेट पावर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इस तमाम चीज़ों में बिजली का इस्तेमाल हो रहा है। इलेक्ट्रिसिटी हैज डिवेलप्ड एंड क्रिएटेड मैनी इंडस्ट्रीज। बिजली से बहुत सारी फैक्ट्रियों और इंडस्ट्रीज को लगाया गया है। इट हैज इनेबल्ड मैन टू कंकर लैंड सी एंड वाटर। जमीन पे, समुद्रों पे, हवाओं पे अभी इंसान ने क्या कर लिया है, इसको अपने काबू में कर लिया है बिजली के इस्तेमाल से। आपने ये पैसेंजर से लर्न करना है, साथ में मैंने जो आपको इस्तेमाल बताया यूज ऑफ हैड का, ये करेंगे। हमारे सर्विस ब्रेकअप के अकॉर्डिंग हमने जो है आज ऑलमोस्ट 60 वाला लेक्चर जो है डिस्कस किया है। कल इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।